महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय 1968 में स्थापित महाराष्ट्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। बाद में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम पर इसका नाम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ रखा गया। विश्वविद्यालय के पास कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक समृद्ध विरासत है। इसकी उत्पत्ति कृषि महाविद्यालय पुणे में हुई है, जिसे वर्ष 1907 में स्थापित किया गया था और यह एशिया के सबसे पुराने कृषि महाविद्यालयों में से एक है। एमपीकेवी का अधिकार क्षेत्र पश्चिमी महाराष्ट्र के 10 जिलों कोल्हापुर, सांगली, सतारा, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, नासिक, धुले, नंदुरबार और जलगांव में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से 4 कृषि जलवायु क्षेत्र अर्थात पश्चिमी घाट क्षेत्र, उपपर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी महाराष्ट्र मैदानी क्षेत्र और कमी क्षेत्र इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस विश्वविद्यालय में निम्न कॉलेजेस आते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल्हापुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर धुले, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग राहुरी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट राहुरी। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर होता है। इस विश्वविद्यालय से आप डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर साइंस बी टेक, फूड टेक्नोलॉजी बीएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बी टेक, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एनिमल हस्बेंड्री, एमएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एमबीए एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एमएससी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन, एमएससी एग्रीकल्चरल मीटियोरोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी डेयरी साइंस, एमएससी प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एमएससी प्लांट फिजियोलॉजी, एमएससी एग्रीकल्चर सीड टेक्नोलॉजी, एमएससी सॉइल साइंस और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एमएससी वेजिटेबल साइंस, एमएससी फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, एम टेक प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, एम टेक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, पीएचडी वेजिटेबल साइंस, पीएचडी सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, पीएचडी प्लांट फिजियोलॉजी, पीएचडी प्लांट पैथोलॉजी, पीएचडी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, पीएचडी डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीएचडी एग्रोनॉमी, पीएचडी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, पीएचडी एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, पीएचडी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, पीएचडी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, पीएचडी फार्म मशीनरी और पावर आदि कोर्सेस कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे विश्वविद्यालय में पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा है, पीजी और यूजी छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक कॉमन रूम, हॉस्टल लाइब्रेरी, कलर टीवी, गेस्ट रूम के लिए चैटल, इंडो गेम्स रूम आदि से लैस किया गया है।
संस्थान अपने छात्रों और स्टाफ सदस्यों को पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों के लिए विभिन्न डोमेन की लगभग 25,000 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में बहुत सारे शोध पत्र, पत्रिकाएं और ई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। कॉलेजों में छात्रों के लिए खेल अभ्यास के लिए सभी सुविधाएं हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्वविद्यालय में छात्रों के प्लेसमेंट के लिए एक प्लेसमेंट सेल है जो विश्वविद्यालय के युवा स्नातकों के बेहतर प्लेसमेंट के लिए सूचना और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह छात्रों के लिए कई सेमिनार, व्याख्यान, कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करता है। यह छात्रों को प्लेसमेंट की जानकारी प्रदान करता है और कैंपस इंटरव्यू की भी व्यवस्था करता है। यह समय समय पर व्यक्तित्व विकास करियर मार्गदर्शन व्याख्यान भी आयोजित करता है। विश्वविद्यालय में विभिन्न कृषि कंपनियों द्वारा कृषि स्नातकों का चयन किया जाता है। औसत पैकेज 4,00,000 का रहता है। विश्वविद्यालय में शोध कार्यों के लिए शोध निर्देशालय की स्थापना की गई है, जहां कृषि वैज्ञानिक शोध कार्य करते हैं। इस विश्वविद्यालय ने अनाजों, दालों, तिलहनों की बहुत सारी उन्नत किस्मों का विकास किया है, जो महाराष्ट्र राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। कृषि परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।